दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके 1,83,05,820 शेयर अकेले राकेश झुनझुनवाला के पास हैं। तो ऐसा क्या खास है इस कंपनी के अंदर जो कि इतनी बड़ी क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेटली 1,83,05,820 शेयर राकेश झुनझुनवाला ने होल्ड किए हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, एक अच्छा खासा पैसा राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक के अंदर लगाया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस स्टॉक में ऐसा क्या खास है और क्या ये स्टॉक हम भी खरीद सकते हैं, और कौन से वो बेहतरीन लेबल्स होंगे जिन लेबल्स पर अगर हम इस स्टॉक को खरीदते हैं तो वहाँ पर रिस्क बहुत ही लोअर होगा, बहुत मिनिमल होगा और रिवॉर्ड्स हमें बहुत ही शानदार मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक कौन सा है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस स्टॉक के बारे में। ये है रैलिस इंडिया का पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल सेक्टर का स्टॉक है। और पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर में जो भी कीटाणु होते हैं उससे रिलेटेड फसलों को कैसे अच्छा किया जाता है, कैसे उनमें पैदावार बढ़ाई जाए, प्रोटेक्शन जो क्रॉप प्रोटेक्शन होती है उसको रिलेटेड लेके ये लोग जो पेस्टिसाइड्स जो एग्रोकेमिकल्स है उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका जो BSE कोड है 500355 है और इसका जो NSE कोड है वो है RALLIS रैलिस। फिलहाल 176.95 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इसका जो बेसिक हम लोग बता देते हैं आपको, 3444 करोड़ का ये की मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप जो नए रूल्स हैं उसके हिसाब से स्मॉल कैप सेगमेंट का स्टॉक है ये। EPS लगभग 9 की, एक अच्छी EPS है अगर हम देखें इस स्टॉक की तो। और PE रेशियो जो है वो लगभग 19.46, और अगर हम PE रेशियो एक्चुअल में देखेंगे तो 18.68 है एट प्रेजेंट PE रेशियो। उसके अलावा लगभग 61 की इसकी बुक वैल्यू है, लगभग अपने बुक वैल्यू से 3 times अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 250% का डिविडेंड परसेंटेज है, 35 की इसकी इंडस्ट्री PE है, और जो डिलीवरेबल्स हैं एट प्रेजेंट वो लगभग 41.5% के आसपास के डिलीवरेबल्स हैं। इसके अलावा ROCE लगभग 19.76%, एक अच्छा परसेंटेज है ROCE का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 20% का रिटर्न आ रहा है इनका, जो भी कैपिटल इनका एम्प्लॉयड है उसका 20% लगभग इनको रिटर्न मिल रहा है। ROE जो कि इक्विटी है उसका लगभग 14.5% के आसपास रिटर्न आ रहा है कंपनी को। करंट प्राइस 176.95 का है और 52 वीक का जो हाई है वो 289 रुपीज़ का है, जबकि लो जो है वो 169 रुपीज़ का है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड 1.41% की है, सेल्स ग्रोथ इसकी लास्ट 3 years की 1.1% की, जो कि काफ़ी वीक कही जाती है और बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग सेल्स ग्रोथ नहीं है इसकी। फेस वैल्यू 1 की है और जो टोटल इक्विटी शेयर्स है वो लगभग 19.45 लाख शेयर जो है उसके मार्केट के अंदर इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो डेट ऑलमोस्ट नल है, तो डेट इक्विटी रेशियो 0.02 और करंट रेशियो 1.51 का है। OPM भी काफ़ी बेहतर है कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 14% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसकी जो पॉजिटिव्स हैं वो है कंपनी ने अपना रिड्यूस डेट को रिड्यूस किया कंटिन्यूसली और वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.15%, जबकि अगर बात करते हैं कंपनी के जो ग्रोथ की वो इसकी काफ़ी पुअर है, 4.7% की पिछले 5 सालों में। ओके, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 12 महीने में जो सेल्स ग्रोथ रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, 16.44% की, बट उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और सेटिस्फैक्ट्री भी हम इसको ज़्यादा नहीं कहेंगे, 2.99% की रही है पिछले 12 महीने में। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 14.67% का रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम पिछले 10 साल 5 साल या 3 साल का कंपैरिजन करते हैं तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी लो है और सबसे नीचे है अभी तक का फिलहाल। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक्स बताए, बट हम देखेंगे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर कैसा हो सकता है स्टॉक का, क्या आगे गुंजाइश है। तो यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, लगभग 50% स्टॉक जो है वो प्रमोटर्स के पास है और ये अच्छी बात है कि किसी कोई भी शेयर प्लंज नहीं है प्रमोटर्स के द्वारा। उसके अलावा लगभग 4% लगभग म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टेड है, 5.5% इंश्योरेंस कंपनीज ने लगा रखा है, 4.05% अप्रॉक्सीमेटली जो है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स का है, और जो एनी अदर थे उनका लगभग 1.13%, टोटल ओवरऑल 22.59% जो है वो ओवरऑल इनका सब टोटल है। साथ ही अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उनके पास लगभग 21.63% का स्टेक है और एनी अदर्स के पास 5.68% का स्टेक है। तो ओवरऑल ये इनका पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल्स पे आ जाता हूँ मैं,
तो फाइनेंशियल्स में हम लोग सबसे पहले डेट की बात करेंगे और अदर जो भी इनके प्रोविजंस वगैरह उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है वो 18 करोड़ के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं क्योंकि 0.02 डेट इक्विटी रेशियो है। नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू द डेट, 1178 करोड़ की, और जो रिजर्व्स है वो 1159 करोड़ के रिजर्व्स है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 390 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट है कंपनी के, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले घटे हैं, बट ओवरऑल अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट जो अमाउंट है वो 2018 में 389 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। साथ ही प्रोविजंस लगभग 28 करोड़ के हैं जो कि पिछले 3 सालों में काफ़ी रिड्यूस हुए हैं, और जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो 60 की है, यानी कि बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो लगभग पिछले 5 सालों में लगातार बुक वैल्यू में इंक्रीज इजाफा हो रहा है। ये एक अच्छे स्ट्रेंथ को बताता है कि बुक्स में कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। साथ ही अगर ईयरली नंबर्स की मैं बात करता हूँ तो जो 2018 है उसमें कंपनी ने, यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेटेड पे देखते हैं, सो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग स्टैंड अलोन नंबर्स की बात करेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के लगभग 1498 करोड़ का टोटल सेल्स रहा है, लगभग 1500 करोड़ का सेल्स रहा है मार्च 18 में। मार्च 17 में ये 1400 करोड़ का था, लगभग 100 करोड़ के आसपास का सेल्स इंक्रीज हुआ है कंपनी का। पिछले अगर 5 सालों में बात करेंगे जो हाईएस्ट सेल्स रही है वो इनकी लगभग 1510 करोड़ की रही है 2014 में। तो अगर पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा ना तो गिरावट आई है इनकी सेल्स में और ना ही बहुत ज़्यादा उछाल आया है। 2016 में जरूर इनकी सेल्स गिरी थी बट उसके बाद इन्होंने एक वापस रिकवरी कर ली, और इस वक्त 2018 में इन्होंने वापस 2014 वाली सेल्स के अप्रॉक्सीमेटली आ चुके हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस PBT 2014 में 209 करोड़ का था, 2015 में 205 करोड़ का, उसके बाद लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 359 करोड़ के आसपास का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था, बट जिसमें 158 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम था। सो ओवरऑल जो प्रॉफिट था इनका वो लगभग 200 करोड़ था बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, और इस बार 191 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी प्रेशर में है, अंडर प्रेशर है प्रॉफिट मार्जिन, जैसा कि हमने पहले भी सेल्स ग्रोथ तो हो रही है बट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है 141 करोड़ का रहा है इस बार, और पिछली बार 266 करोड़ का था, हालांकि उसमें 158 करोड़ तकरीबन जो है वो एक्सेप्शनल आइटम भी है, तो 160 करोड़ अगर हम निकाल देते हैं तो लगभग 106 करोड़ का ही प्रॉफिट रहता है, जबकि इस बार 141 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। तो एक्सेप्शनल आइटम को हटा के तो प्रॉफिट इस बार बेटर है लास्ट ईयर से, बट अगर एक्सेप्शनल आइटम को मिला देते हैं तो पिछली बार का प्रॉफिट ज़्यादा था, ठीक है। EPS पिछली बार 13.68 का था, इस बार 7.28 का है, और वो EPS इसीलिए बढ़ा था क्योंकि इनकी लगभग 160 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम थे, इनकम इंक्रीज हो गई थी, ओके। सो ओवरऑल फ्लैट इनकी परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में अगर हम देखें, फ्लैट परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली नंबर की बात करेंगे तो देखते हैं जून क्वार्टर में नंबर जो है कैसे रहे जून और सितंबर में। सितंबर क्वार्टर के नंबर आए लगभग पिछली बार 548 करोड़ का टोटल सेल्स था, इस बार 613 करोड़ का सेल्स रहा है, और पिछली बार लगभग 116 करोड़ के प्रॉफिट्स थे बिफोर टैक्सेस, अब की बार 125 करोड़ 60 लाख के प्रॉफिट्स हैं। नेट प्रॉफिट पिछली बार 82 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट थे, इस बार 87 करोड़ के लगभग आप मान सकते हैं 5 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल EPS भी 4.22 से बढ़ के इस सितंबर क्वार्टरली में 4.47 रहा है, और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ की बात करेंगे तो काफ़ी शानदार नंबर्स रहे हैं जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में, जहां पर जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट्स थे वो 11 करोड़ के ही थे, वहीं सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट्स बढ़ के हो गए लगभग 125.6 करोड़ के हो गए, और जो नेट प्रॉफिट रहा है जून क्वार्टर में केवल 7.76 करोड़ का ही था, और इस बार सितंबर क्वार्टर में लगभग 87 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर पर तो शानदार परफॉर्मेंस है, और ईयर एंड ईयर पर भी ग्रोथ अच्छी है, बट कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, 5 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट रहा है। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में सितंबर क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो हम इसको पॉजिटिव रेटिंग दे सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं वो चार्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर कहता है कि स्टॉक में फिलहाल जो सपोर्ट लेवल है, मंथली लेवल में बात करेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप सभी को, ये स्टॉक अगर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है तो वह एक बात याद रखिएगा 174, यानी कि आप तकरीबन अगर फ्लक्चुएटेड वे में भी लेते हैं तो लगभग 170 का आप एक राउंड ऑफ नंबर ले लीजिए। अगर 170 के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी मंथली चार्ट पर, ठीक है, देन आपको लगभग 145 के आसपास के लेवल्स मिलेंगे इसमें एंटर होने के। तो पहले आप अक्टूबर मंथ में क्लोजिंग का इंतज़ार कीजिए, किस तरह की क्लोजिंग आती है, क्या ऊपर के अपसाइड की तरफ क्लोजिंग रहती है। अगर 175, 180 के ऊपर की क्लोजिंग आती है स्टॉक में,
अगर सपोज मानिए 180 के ऊपर की क्लोजिंग रहती है तो मुझे लगता है कि फिर आपको 200 प्लस के लेवल्स भी आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। बट सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पे, क्योंकि अभी मार्केट ने आज हालांकि एक अच्छी तेजी के साथ मार्केट में क्लोजिंग रही है, निफ्टी लगभग 77 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, बट इसको हम अभी रिवर्सल नहीं बोल सकते। हम लोग अक्टूबर मंथ का इंतजार करेंगे, अक्टूबर 31 तक, उसके बाद देखते हैं कि नवंबर मंथ का बिगनिंग जो होता है वो किस तरह का रहता है। और अक्टूबर मंथ में जो मार्केट है उसने अगर 10,200 के ऊपर की क्लोजिंग को मेंटेन कर दिया, देन डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी तेजी हमें नवंबर मंथ में देखने को मिलेगी और ये स्टॉक भी उस तेजी में पार्टिसिपेट करेगा। तो बेस्ट जेबल जो होंगे इस स्टॉक को बाय करने के लगभग 150 रुपीज़ का रहेगा। तो अगर आप किसी को बाय करना है और अगर आपको 150 रुपीज़ के टारगेट में मिलता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली बाय कीजिए। जो लोग लंबी अवधि के नज़रिए के हैं तो आप छोटी क्वांटिटी को अगर ये 170 के ऊपर की क्लोजिंग या 180 के ऊपर की क्लोजिंग देता है अक्टूबर मंथ में तो डेफिनेटली आप छोटी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। SIP के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि देखिए अभी क्या है, क्यों मैं इस स्टॉक को बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, एग्रो सेक्टर में इसकी हम एक बार आपको वेबसाइट को भी विजिट करा देते हैं रैलिस इंडिया में। और ये बेसिकली एग्रीकल्चर जो भी सेक्टर है उसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो एग्रोकेमिकल्स हैं उसका निर्माण करते हैं। तो एग्री सर्विसेज के बारे में बताते हैं, देखिए जियो ग्रीन में ये एक तरीके का ये जो भी पेस्टिसाइड या जो भी बनाते हैं MOPU बनाते हैं, ये नॉलेज एक्सचेंज ग्रो मोर पल्सेस, कैसे आपको पल्सेस ज़्यादा बढ़ानी है, समृद्ध कृषि, तो ये इस सभी चीज़ों में हेल्प करते हैं, स्प्रेयर्स बनाते हैं इस तरह से। आप देखिएगा जो लोग एग्रीकल्चर में काफ़ी हेल्प करेंगी। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये राइस के इंटेंसिफिकेशन का जो सिस्टम होता है वो पूरा तैयार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल बिजनेसेस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी देशों में इनका बिजनेस फैला है, यूरोप में अगर आप देखेंगे तो UK, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, सर्बिया, इटली, ग्रीस, स्पेन, तुर्की, एशिया में काफ़ी मल्टीपल कंट्रीज़ में जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और लॉट मोर कंपनी थे, मिडिल ईस्ट में, अमेरिकाज में, अफ्रीका, ओशियाना। क्योंकि एक बात देखिए, आप लोग एक बात को समझिएगा, फोकस कीजिएगा, आप लोगों को लगेगा बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक को समझने के लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ग्लोबल लीडर है और जितनी अच्छी जो कृषि की टेक्निक्स है वो इंडिया के पास है, शायद किसी देश के पास होंगी। हालांकि इक्विपमेंट्स हो सकते हैं अदर कंट्री के पास अच्छे, लेकिन जो कृषि में जो विकास है वो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो इंडिया के पास है। इसलिए बहुत सारे एशियन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट, अमेरिकास के जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के पास आते, इवन USA में भी इनका, और वो लोग अभी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर बात करेंगे जो लोग फूड की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो इंडियन कंपनीज़ के पास आते हैं ताकि उनको भी टेक्निक्स को सिखाया जा सके, कैसे क्रॉप्स को और ज़्यादा पैदावार की जा सकती है। तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही है, रैलिस इंडिया भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल और आप रुकिएगा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नए टर्न अराउंड मिलेंगे। अभी वीकनेस क्यों है, क्योंकि अगर आप जो भी विलेजेस देखेंगे वहाँ पर ना तो पक्की रोड हैं, ना ही आपको बिजली की ज़्यादा सुविधाएं हैं, ना ही आपको पानी की ज़्यादा सुविधाएं हैं, ना ही आपको इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ना ही इंटरनेट की सुविधाएं का मतलब आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती हैं, सीख नहीं पाते, तो ये सारी सुविधाएं अब धीरे धीरे आ रही हैं। जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है गाँव में, जब लाइट हो जाएगी गाँव में, इंटरनेट हो जाएगा गाँव में, पक्की सड़कें हो जाएंगी, तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारा कंट्री लगभग 70% डिपेंडेंसी जो GDP की आती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। और एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गांव में पहुंच गया तो डेफिनेटली जो गांव का किसान है वो और ज़्यादा पैदावार कर सकेगा और ज़्यादा GDP इंक्रीज़ हो सकेगी। सो ये मेन रीज़न है इस स्टॉक में जो राकेश झुंझुनवाला ने लगभग 2 करोड़ यानी कि 1,83,00,000 शेयर्स खरीद रखे हैं, वो उन्होंने फ्यूचर ओरिएंटेड वे में खरीदे। उनको लगता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अगले 5 से 8 सालों में, 10 सालों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है और वहाँ पर उनकी जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। सो सेम कॉन्सेप्ट आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जल्दीबाजी में स्टॉक को बल्क में मत खरीदिए, 50-100 क्वांटिटीज़ को आप खरीदते रहिए अगले 2-3 साल के लिए, उसके बाद होल्ड कीजिएगा अगले 5 से 8 सालों के लिए, या इवन अपने बच्चों के लिए भी आप छोड़ सकते हैं इस स्टॉक को। 10 सालों के बाद इस तरह के स्टॉक जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी अच्छी प्रोडक्ट लाइन है, ग्लोबली उनकी प्रेजेंस है, वो मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न देंगे। तो उसमें जो ये स्टॉक है रैलिस इंडिया का, ये आपको अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। सो गाइस, ये हमने बताया क्यों 1,83,5,820 शेयर्स जो हैं
वो अकेले राकेश झुनझुनवाला जी ने होल्ड किए हुए हैं और क्या उनका दूरदृष्टिकोण है जो कि उन्होंने ये स्टॉक्स को पकड़ा है। तो हमने आपको लेबल्स भी बताए, हमने स्टॉक के बारे में भी बताया कि क्यों इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। आने वाले 5 साल टर्न अराउंड कर सकते हैं इंडिया के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, और ये स्टॉक भी उसमें एक बड़ा पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि ग्लोबली इस स्टॉक का बिजनेस चल रहा है, इस कंपनी का बिजनेस है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप भी इस स्टॉक में अपनी पूरी जानकारी जुटाएंगे, इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेंगे, क्योंकि स्टॉक कंपनी डेट फ्री है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट जरूर है बट खराब नहीं हुई है, अगर अच्छी नहीं हुई है तो खराब भी नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कि स्टैटिक से एक फ्लैट से पॉजिटिव ही रही है, परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और फ्यूचर में ये स्टॉक काफ़ी कमाल दिखा सकता है। सो गाइस, इस स्टॉक पर अपनी नज़र बनाइए, कुछ इनपुट्स हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा सो दैट कि हम भी कुछ और एनालाइज कर पाएँ इस स्टॉक के बारे में और अपने व्यूअर्स को बता पाएँ। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री। थैंक यू फ्रेंड्स।